जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट और एजुकेशनल अचीवमेंट के साथ। ठीक है, हम आज की क्लास में ये बात स्टडी करने की कोशिश करेंगे जनाब कि कोई एक इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और दूसरा इंसान कम पढ़ा लिखा होता है, ऐसी बात है? आपको क्या लगता है, what are the factors behind this phenomena that some people are more indulged and more attained in terms of education while other people are not attained or achieved in terms of education? What do you think? अच्छा, achievement और attainment बात एक ही है, सही? कुछ जगहों पर attainment लिखा हुआ होगा, कुछ जगहों पर achievement लिखा हुआ होगा, तो परेशान नहीं जी। कुछ कह रहे हैं financial issues, ठीक है। अच्छा जी, anything सर, क्या कह रहे हैं? फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं, समझा नहीं, बस सम सवाल समझे। मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई इंसान ज्यादा पढ़ पाता है, कोई कम पढ़ पाता है, रीजन क्या है इसका? क्या कह रहे हो? एज ज्यादा हो जाती है, वक्त की शायद से बाहर निकल आते हैं, एज ज्यादा निकल, टाइम ज्यादा हो जाता है। जी सर, इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है या नहीं दी जाती? चले चले, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस चीज को समझने के लिए कुछ आपके पास सोसाइटी में कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं या फिर सोशल आइडेंटिटीज होती है, समझ रहे हो मेरी बात? सोशल ग्रुप्स या सोशल आइडेंटिटीज होती है। अगर मैं इन आइडेंटिटीज या सोशल ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने जाऊं तो हमें क्या समझ में आता है? लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले आती है क्लास, ठीक है, क्लास में होता है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। बात समझ में आती है? ऐसा ही होता है। हमारे पास दूसरी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट होती है जेंडर के साथ, हम कहते हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है। तीसरी कोर एलिमेंट जिसको हम डिस्कस करते हैं इसमें, वो आती है एथनिसिटी, यानी कि एथनिसिटी स्टैंड्स फॉर सोशल बिलोंगिंग, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। देखिए, नॉर्मली हम एथनिसिटी को अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग में लें तो एक चीज होती है माइनॉरिटी, जो उस सोसाइटी में माइनर रोल प्ले कर रही होती है, और एक होती है मेजॉरिटी, जो नॉर्मली हम पॉपुलेशन के साथ एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर इन माइनॉरिटी एथनिसिटी ग्रुप एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर मेजॉरिटी एथनिक। क्लियर हो रही है? अच्छा जनाब, अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए जी, याद रखिएगा, आपकी अपर और मिडिल क्लास के पास सबसे पहले तो होता है मटीरियल कैपिटल, पैसे, समझ आई बात? मटीरियल कैपिटल, सही है। अब मटेरियल कैपिटल का इंपैक्ट क्या होता है? पहली चीज होती है लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हाउसिंग, प्राइवेट ट्यूटरिंग, ठीक है बॉस, यानी कि इनके पास ये सारी एबिलिटीज होती हैं जस्ट बिकॉज जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। समझ आती है बात? ये बात समझ आती है? दूसरे एलिमेंट पे अगर हम बात करते हैं तो इनके पास दूसरी चीज होती है कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या होता है? वैल्यूज एंड नॉर्म्स, यानी कि एक कल्चर होता है एजुकेशन का, एक ऐसा कल्चर होता है जो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से इंक्लिनेशन प्रोवाइड करता है। एम आई राइट रॉन्ग? ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल कैपिटल में क्या आती है पहली चीज? इस बात को मार्क्सिज्म बहुत फोकस करता है और इस बात को फंक्शनलिज्म बहुत फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, अपर एंड मिडिल क्लास आर एजुकेशनली अचीव्ड एंड अटेन्ड बिकॉज ऑफ कल्चरल कैपिटल, व्हाइल अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द अपर एंड मिडिल क्लास इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स एजुकेशन अटेनमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ मटीरियल कैपिटल, पैशन की बात ज्यादा। समझ आई बात? क्लास सिस्टम, मटीरियल, वेल्थ, एम आई राइट? अच्छा, दूसरी तरफ हमारी जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास पहले तो मटीरियल डेप्रिवेशन बेयर करती है,
दूसरा ये कल्चरल डेप्रिवेशन भी बेयर करती है, यानी कि इनका कल्चर ही नहीं होता एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत सीरियसनेस इनके पास नजर ही नहीं आती। एम आई राइट रॉन्ग? ठीक है, एम आई राइट? अच्छा, अब अगर हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें मेल और फीमेल के लिए, ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये दोनों क्लासेस जो होंगी ये एजुकेशनली अचीव्ड होंगी अपर और मिडिल, और ये अंडर अचीव्ड होंगी। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर अगर हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है मेल ज्यादा अचीव होंगे पढ़ाई लिखाई में या फीमेल्स? मेल ज्यादा अचीव होंगे, अगर लगाओ खादी अच्छी होती पढ़ाई में, मर्द मर्द बहुत अच्छे होते। अचीव की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ अचीव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कौन ज्यादा अच्छा पढ़ने में होता है, खवाती है। सही है, सही है। ओके डन। अब भाई दुनिया में आ जाओ, इतना नहीं मार्स में करीब चले जाओगे पढ़ना, वीनस के। ठीक है, अच्छा जी आ जाए सर, समझिएगा सर, समझिएगा भाई, इनकी हरकतें तो खत्म ही नहीं होती है ना, इस वजह से इनकी हरकतें खत्म चूंकि नहीं होती हैं, ये लोग अंडर अचीव डिक्लेयर होते हैं और ये अचीव डिक्लेयर होती है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए इसकी बहुत बड़ी वजह, एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूल्स आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स फेमिनाइज्ड प्रिंसिपल। जी सर, सॉरी क्या कहेंगे? नहीं देखिए मैं आपको बहुत आपका बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वैलिड क्वेश्चन। हम जब हम कोर आइडियाज को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा बाइनरी जेंडर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म में जाते हैं, सही है, तो हम फिर उसमें एलजीबीटीक्यू के एलिमेंट को एड्रेस करते हैं। सही है, एक्चुअली ये बात हकीकत है कि हमारी जो सोशियोलॉजी है उसको बहुत सारे फेमिनिस्ट ने पेट्रियारिकल सोसाइटी भी कहा है, और बहुत सारे जो एलजीबीटीक्यू के जो न्यू जो पोस्ट फेमिनिज्म है उसने अपोज भी किया है बहुत सारे सोशियोलॉजी के आइडियाज को, बिकॉज इसके आइडियाज कोर आपके मेल और फीमेल बाइनरी जेंडर्स पे बेस्ड है, स्पेशली स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज। ठीक है, अब मैं स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज से मैं बात करूँ तो मेरी वीडियो देख लेना, प्री मॉडर्न मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न वाली। सही है, उस वीडियो के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जब हम प्री मॉडर्निटी और मॉडर्निटी में आते हैं तो उस पर एक चीज की मेटा नैरेटिव, बाइनरी जेंडर ज्यादा मेटा नैरेटिव। सही है जनता, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा आ जाओ, फेमिनाइजेशन बहुत ज्यादा सवाल किया। अच्छा, फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग हो गया, यानी कि स्कूलिंग सिस्टम इज फेमिनाइज, यानी कि वो फेमिनाइज्ड हो गया। फेमिनाइज्ड होने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा फीमेल वे ऑफ लर्निंग को प्रमोट करते हैं, फीमेल वे ऑफ लर्निंग को प्रमोट करते हैं। सही, फीमेल वे ऑफ लर्निंग को प्रमोट कैसे करते हैं, यानी कि जिस तरह से रट्टाफिकेशन है हो गया, या फिर आपका जो एक्सप्रेसिव वे ऑफ वर्किंग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जेंडर्ड इनका लैटिस बिहेवियर इशू क्रिएट करता है, जेंडर्ड करिकुलम। जेंडर्ड करिकुलम का मतलब क्या है, मेल इज परफॉर्मिंग स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड फीमेल आर स्टडी डिफरेंट। मैंने आप लोगों को फेमिनिज्म पढ़ाते हुए समझाया था, समझ आई बात? ठीक है, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, अब क्या हुआ, ये ओवरऑल एलिमेंट हमने डिस्कस कर दिया कि ये अंडर अचीव है, ये अचीव है। अब मेरी बात सुनो, देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ एक्चुअली मैं स्टीरियोटाइपिकल आइडियाज की बेसिस पे, मेटा नैरेटिव की बेसिस पे बना रहा हूँ। ठीक है, जहन में याद रखो, एक तो मैं जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ, जो लोअर क्लास के साथ होगा वही चीजें माइनॉरिटी के साथ अटैच कर देना, और जो अपर और मिडिल के मिडिल एंड अपर के साथ होगा वो तमाम चीजें मेजॉरिटी के साथ लिंक कर देना, जुगाड़ वाला तरीका। सही, लड़के सुनो, लड़के सुनो, अब सुनो, माइनॉरिटी के साथ क्या होगा, पहला प्रॉब्लम दे आर फेसिंग कल्चरल डेप्रिवेशन। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुनो, अब मार्क्सिज्म क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म देर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स एंड देर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ आइडियाज एंड देर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ चांसेस फॉर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ चांसेस होते हैं। सही है, जिसकी वजह से आपकी माइनॉरिटी का लोअर क्लास में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सही है, क्योंकि सोसाइटी में चांसेस है, आप सऊदी अरब की एग्जाम्पल ले लें, सऊदी अरब के अंदर क्या है, आप अगर खारजी हैं तो आपको बहुत सारे राइट्स नहीं होंगे, ऐसी बात है, खारजी कौन होते हैं, जो बाहर से लोग होते हैं,
ठीक है, माइनॉरिटी को राइट्स हैं, तो अब वो क्या हो गया, वो लोअर क्लास में चले गए। सही है, जैसे अगर आप यूएई की बात करें, वहां के जो मेजोरिटी जो वहां के जो नेटिव्स हैं उनको, यूएई सिटीजन हैं, उनको बहुत फायदा मिलता है। समझ आई बात? ठीक है, वेलफेयर के सेक्टर तरह काम करता है। ठीक है, तो कल्चरल डेप्रिवेशन होती है और ये इसका ये लोग मटीरियल डेप्रिवेशन भी फेस करते हैं। There is no equal chances. Equal chances नहीं होते majority of the states के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी क्या है, आपको हर जॉब के लिए NIC चाहिए। NIC का मतलब you need to be a citizen of Pakistan। समझ आई बात? जब NIC या passport की requirement होती है, मतलब है कि you want to make sure this thing that person should be the citizen of your country। यानी कि वो majority का part और minority का part बाहर का सिटीजन ना हो। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि प्रेफरेंसेस होती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर मेजोरिटी को तो प्रेफरेंस देती है, माइनॉरिटी को प्रेफरेंसेस नहीं दे रही। ठीक है, समझ आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो उनको आता है कल्चरल कैपिटल मिलता है, उनको उनको एक अपना नेटिव कल्चर मिलता है और उसको डेफिनेटली बात है उनको मटीरियल कैपिटल भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा माइनॉरिटी में बहुत बड़ा मसला होता है लैंग्वेज कोड्स इशू, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। देखिए, बहुत आसान से अल्फाज में बोलूं तो लैंग्वेज कोड्स का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज कोड्स का मतलब ये होता है कि आप जो है पर्टिकुलर तरह के लैंग्वेजेस, जैसे एक चीज, एक लैंग्वेज होती है जो आपकी माइनॉरिटी बोलती है, सही, जो अपनी, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड कोड कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कोड का मतलब है कुछ ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ पर्टिकुलर लोग ही समझ सके। समझ रहे हो मेरी बात? रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई नहीं समझ सकता। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा होगा वही वो लैंग्वेज समझेगा। सही है, जबकि मैं अगर बात करूं एलैबोरेटेड कोड की, वो लैंग्वेज जो आम लोग बोलते हैं, सोसाइटी की एलैबोरेटेड कोड है जो एक फॉर्मल लैंग्वेज के तौर पर कंसिडर की जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी जो माइनॉरिटी होती है और मेजॉरिटी होती है, इन दोनों को इस हवाले से डिफरेंशिएशन फेस करने को मिल रही है। समझ आएगा? माइनॉरिटी के पास ये डिसएडवांटेज होता है और मेजॉरिटी के पास एडवांटेज होता है। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? इसको कॉपी करना, कंटिन्यू करता हूँ।